कैसे हो? ठीक हो सभी? तो आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं एडवांस अरीना का यूट्यूब चैनल, और पिछले लेक्चर में हमने किया था कोलम्स, है ना? तो उसके बारे में हमने अच्छे से जाना था। कोलम्स लॉ क्या होता है, चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फाइंड आउट किया था। वो नियम ढूंढा कि बीच चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है ना। तो अभी हम करने वाले हैं, हमारे पास एक और बढ़िया टॉपिक आ गया है, वो है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उस वेक्टर फॉर्म को करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार कूलम्ब्स लॉ को देख देखो कि भाई कूलम्ब्स लॉ ये था, है ना, कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में। तो आज इसकी वेक्टर फॉर्म अगर करें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म अगर हम करें तो क्या होगा। देखो, एक पोजीशन वेक्टर हम बनाते हैं, हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इट कैन बी चेंज इन वाई एंड जेड, जेड वाई। क्लियर? तो हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है Q1, यहाँ कोई चार्ज है Q2, जिस जो बी पॉइंट पे पड़ा है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं दो चार्ज के बीच में आर। यहाँ से पोजिशन वैक्टर मानते हैं इसका R1, और यहाँ से मानते हैं R2। तो दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस। जब ये दो लाइक चार्ज हम लेते हैं तो आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बात आपको पता है कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये पॉइंट माना ए, ये पॉइंट माना बी। जब ए पॉइंट पर चार्ज रखा है, वो बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है, दोनों एक जैसे हैं, मतलब लाइक चार्ज, और लाइक हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो पॉइंट है, इस पर इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैं इसको सेकंड पोजीशन को, अगर मैं दूसरे पे पहले की वजह से फोर्स लगेगा, तो पहले पर भी फोर्स लगेगा दूसरे की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से। तो यहां पर तो यहां से आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, अपोजिट इन साइड। दोनों की साइड क्या है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, दोनों की साइड क्या है, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट साइड। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया आर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मान ली। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 2, मतलब इस पॉइंट पे के Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 2 का स्केल। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये आ गया। और इस पे अगर बात करें तो इस पे क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्केल। समझ में आ गया? अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में एक यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन मतलब आ, ये यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, उसके डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड में उसकी हेल्प करता है। मतलब यूनिट वन मतलब मान लो आपको यहां से यहां जाना हो, कोई आपको यहां से यहां जाना हो, तो यहां कोई आपको डायरेक्शन पता नहीं है कि वो जहां आपको जाना है वो जगह आपको नहीं पता, तो आप किसी की हेल्प लेते हैं, वो हेल्प वाला बंदा ये है, इज नोन एज यूनिट वैक्टर। इसको यूनिट वैक्टर माने। तो आप हैं ये, आपको कहीं जाना है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना, तो आप बन जाएंगे यूनिट वैक्टर। बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल कि ये आपकी हेल्प करेगा आपको एक डायरेक्शन देने में, और कितनी डायरेक्शन, कितनी दूर तक आप जा रहे हैं, डायरेक्शन आप किस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप, वो आपकी हेल्प करेगा यूनिट वेक्टर। तो उससे आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही। तो आप अगर इनको वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं तो आर के ऊपर क्या,
जहां पर आर जो है, आर क्या है, अगर वन टू की बात करें तो आर टू माइनस आर, मतलब द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ आर टू माइनस आर आर टू आर वन। अगर मैं आर टू की बात करूं तो ये डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये मतलब ये कुल मिलाकर आप कहीं भी जाएं इस पूरे डायरेक्शन फैक्टर में, तो आपको क्या मिलेगा कि जो आर का यूनिट वेक्टर है, सॉरी आर मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन आर को ऐसा भी लिख ले चाहे ऐसा भी लिख ले, जो ये है, ये जो आर है वो किसके बराबर है, आर टू माइनस आर वन, आर वन माइनस आर टू, क्योंकि ये बराबर रहेगा, फोर्स बराबर है, इन पॉइंट्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए आप समझ सकते हैं, इसलिए क्या समझ सकते हैं कि ये क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मतलब वन टू फोर्स है वो क्या है, अपोजिट टू द टू वन। मेरी बात समझ आ रही है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, बराबर। क्या समझ में आया, आ जाएगा धीरे धीरे, आराम से समझ में आएगा। सिर्फ ये देखें कि जो यहाँ जहां पर आर वन है, आर है वो इन दोनों के बराबर रहेगा, और जो हमने आर टू वन और आर वन टू फोर्स जो लिखा था, फोर्स वन टू टू मतलब पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से फोर्स और दूसरे चार्ज पे पहले की वजह से फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे लेकिन फोर्स क्या रहेंगे, बराबर। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम इसकी वेक्टर फॉर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करने का ये तरीका, तो ये जो पॉइंट है जो आपने अभी अभी सीखा, तो ये इजिएस्ट मेथड है, तो इसको बिल्कुल एक एक लाइन को आप आराम से समझे, इसको उतार लें अपनी नोटबुक में, और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलाम्स लॉ। तो आज हमने सीखा कोलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, तो इसमें क्या है, जो आपका कोलाम्स लॉ है, कोलाम्स लॉ क्या हेल्प करता है, कोलाम्स लॉ आपकी हेल्प करता है आपके दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, दो अलग अलग चार्ज लिए थे, उन दोनों चार्ज के बीच में हमने एक बार रिपल्सन का, अट्रैक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं रिपल्सन हो, कि भाई दो अलग अलग चार्ज है वो अगर वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाए तब भी यही फॉर्म रहेगी, तब भी आप ये कलाम्स लॉ ही लगाएंगे, क्योंकि कलाम्स लॉ और न्यूटन जो लॉ था उनको कंपैरिजन करके कलाम्स ने एक नया नियम बनाया था जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप आज आपने सीखा कलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।